दरभंगा से मिल रही है। आपको बता दें कि दरभंगा में शराब माफियाओं ने पूर्व चौकीदार को गोली मार दी है। शराब उतारने से मना करने के बाद गोली मारी गई है। गोली लगने से पूर्व चौकीदार की मौत हो गई है। नेंगड़ा मोड़ के पास कल सुबह 3 बजे गोली मारी गई। मौके से एक टेम्पो शराब बरामद किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया है। दरभंगा कमतौल मार्ग पर यह जाम लगा है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये खबर है दरभंगा से, जहां शराब माफियाओं ने एक पूर्व चौकीदार को गोली मार दी है, जिसने शराब उतारने से मना कर दिया था। गोली लगने से पूर्व चौकीदार की मौत हो गई है। नेगड़ा मोड़ के पास सुबह 3 बजे की घटना है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया है और लगातार वहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी की और सड़क को वहां पर जाम कर दिया। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये तो सीधे प्रशासन और पुलिस को चुनौती है। क्या कह रही है पुलिस? जी, मैं आपको बता दूं कि ये लगातार ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी चौकीदारों के साथ इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं और चौकीदारों ने इस मामले को लेकर आंदोलन भी किया था। एसएसपी से अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, लेकिन कल देर रात लगभग 3 बजे जब पिता और पुत्र दोनों को पता चला कि शराब का खेप उतर रहा है, तो वो लोग अपने एक परिजन के साथ 3 लोग लगभग वहां पहुंचे। उन लोगों ने उस शराब की खेप को रोकने का प्रयास किया और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस को भी सूचना देने का काम किया। इस बीच वहां पर तो जो शराब माफिया था, उन लोग आक्रोशित हो गए। उन लोगों ने गोली चला दी और गोली तो चला उन लोगों ने चौकीदार पर, लेकिन उसके पिता जो पूर्व चौकीदार थे उनको जाकर लगी और लगने के बाद वहीं पर घटनास्थल पर ही उनकी कही जा रही की मौत हो गई। लेकिन फिर पूर्व चौकीदार को लोग जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, वही दूसरी तरफ वहां चौकीदार वहां जो शराब माफिया था वो फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने वहां से एक टेम्पो शराब और एक बाइक को जब्त किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटना के बाद पुलिस की बात करें तो पुलिस अभी वहां पहुंची हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर के सड़क को जाम कर दिया। दरभंगा और कमतौल तक पूरी तरह से जाम है, आगजनी हो रही है। पुलिस कब इस मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करती है, आरोपियों को, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह शराब की खेप की बात कही जाए तो निश्चित रूप से पुलिस पे एक बड़ा सवाल है कि लाख बिहार में शराबबंदी के बाद चारों तरफ चौकसी के बाद भी शराब कंट्रोल तक पहुंच जाना अपने आप एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर यह घटना हुई है, इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और चौकीदार को, जो पूर्व चौकीदार था, उसे गोली मार दी गई है। तो आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी की है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग वहां पर लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि जब शराब उतारने से मना कर दिया तो उसे गोली मार दी गई। गोली मारने से पूर्व चौकीदार की मौत हो गई है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।